हाय फ्रेंड्स, ये है मेरा घर और यहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनिंग इनसाइड वाई इक्वल टू 15 पर जाके माइनिंग करेंगे। वाई इक्वल टू 15 पर आई थिंक डायमंड मिलता है, तो घर के अंदर से ही हम लोग वाई इक्वल टू 15 पर जाएंगे। ये क्या है? और यहाँ पर गेट लगाना होगा ताकि ज़ोंबीज नहीं आ सके। वो अलग माइंस था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी वाई इक्वल टू 15 पे। ओ नो, वाई इक्वल टू 11 पर चलते हैं। ठीक है, आई थिंक वाई इक्वल टू 11 पे डायमंड मिलता है, मालूम नहीं है। वाई नंबर 11 पर हम लोग माइनिंग करेंगे कंटिन्यू कंटिन्यू। आई थिंक कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से एक वॉल का गैप छोड़कर रिटर्न हम लोग आएंगे। एक वॉल का गैप दैट मीन्स एक ब्लॉक का गैप छोड़कर रिटर्न हम लोग माइनिंग करते हुए आएंगे। अभी हम लोग रिटर्न नहीं आया। अभी 12 तक जाएंगे, नहीं 25 तक जाएंगे। अभी तक तो कुछ खास मटेरियल नहीं मिला है, कोबल स्टोन, डीप स्लेट यही सब मिला है। 25 तक आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न होंगे। एक ब्लॉक कट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग माइनिंग करते हुए रिटर्न जाएंगे। इस तरह के एक ब्लॉक एक एक वाल छोड़ते हुए हम लोग वाई नंबर 15 वाई नंबर 11 पर माइनिंग करते जाएंगे। कुछ ना कुछ अच्छा मिलते ही जाएगा। यहाँ से हम लोग रिटर्न होंगे। स्टेयर्स लेडर्स लगा कर हमें ऊपर चढ़ना होगा। लेडर्स बीच में एक घर बना, छोटा सा रूम बनाने की भी प्लानिंग है। चेस्ट में रख लेते हैं, कोबल स्टोन है और डीप स्लेट टफ। क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, एक ट्रैप डोर बनाना होगा। हाँ, दो ट्रैप डोर बन सकता है। दो ट्रैप डोर बना लिया, एक ट्रैप डोर लगा लिया। एक चेस्ट यहाँ पर रखेंगे, इसमें आप कोबल स्टोन लैंटर्न टफ ये सब रख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इनसाइड में यहाँ पर एक रूम बनाएंगे चेस्ट को रखने के लिए। उसमें ढेर सारा चेस्ट रखेंगे। 10x10 का रूम बना लेते हैं। आई थिंक यहाँ से गेट रहेगा इनसाइड के लिए। नहीं, यहाँ से रखेंगे गेट। 10x10 का रूम बना लेते हैं। ओ, वाटर इधर से निकल गया, इसको फिर से पैक करना होगा। हाँ, डर्ट से मैंने पैक कर दिया। वो फिर से वाटर निकल गया उधर, फिर से डर्ट से पैक कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग बेडरॉक का बनाएंगे वॉल, ताकि क्रीपर अगर ब्लास्ट होगा तो चेस्ट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि चेस्ट में सारा ट्रेजर्स हम लोग रखने वाले हैं। ये रूम यहाँ से, ये तो गली हो गया है। रूम के लिए वॉल बनाना होगा। यहाँ से डोर बनाएंगे ये रूम का, और इसके अंदर एक रूम बना देंगे। ये रूम बन गया। यहाँ पर सब चेस्ट को रख लेते हैं। चेस्ट रख लेते हैं। द
ढेर सारे दो लेयर का चेस्ट रखेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर में एक लेयर को इनसाइड में बनाकर हम लोग टॉर्च लगाएंगे। ये सारा चेस्ट अभी खाली रहेगा जब तक ऊपर का चेस्ट फिल नहीं हो जाता है। इधर का चेस्ट को हम लोग फिल नहीं करेंगे। अभी वापस से रिटर्न चलते हैं घर में। ये यहाँ से लेडर को डिफरेंट कर दिया है ताकि दोनों जगह हम नीचे भी उतर सकते हैं और ऊपर रूम में भी, जो अंडरग्राउंड रूम है उसमें भी जा सकते हैं। यहाँ पर